आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। उदयान एक्सप्रेस जो कि बेंगलुरु से KSR के बीच चलती है, इसके साथ ही मुंबई से यह ट्रेन रवाना होने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके साथ साथ हम दूसरी ट्रेन सिद्धेश्वर एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे जो कि मुंबई से और सोलनपुर के बीच चलती है। इसी के साथ यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। सेंट्रल रेलवे ने सिद्धेश्वर एक्सप्रेस और उदयान एक्सप्रेस को LHB रेक में बदलने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए मिला है, जिसकी सूचना हमें मिलते ही हमने यह वीडियो बनाया है। मुंबई KSR बेंगलुरु उदयान एक्सप्रेस 11301 और 11302 मुंबई से खुलने वाली यह ट्रेन में आपको LHB रेक अस्थायी तौर पर लगा दिया गया है। और इसके अलावा दूसरी ट्रेन सिद्धेश्वर एक्सप्रेस 12115 और 12116 में भी आपको अस्थायी तौर पर AC फर्स्ट सेकंड और थर्ड टायर का कोच अतिरिक्त में देखा जा सकता है। यह नया LHB कोच सुरक्षा और आरामदायक सफर तय कराएगी। इसके साथ ही इसमें कंफर्टेबल दरवाजा, खिड़की और लगेज के साथ साथ रैक और बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अतिरिक्त कोच में शामिल रहेगा फर्स्ट AC के सेकंड टायर कोच, इसके साथ साथ थर्ड टायर कोच और स्लीपर क्लास के दो कोच के साथ साथ एक जनरेटर कार और एक सेकंड क्लास के कोच। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल इंडियन रेलवे KR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहे।